हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ अंकिता वेलकम टू एड्रॉयड कॉम्पिटिटिव क्लासेस तो भाई कल हम साइंस का कर रहे थे हमारा ठीक है हम क्वेश्चंस कर रहे थे और कल हमारे बहुत कम क्वेश्चंस हो पाए थे तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे ये हमारा पूरा बैच है एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ठीक है थीके? और मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी ठीक है देखो ये हमने थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ी थी ये सब आप लोगों को पता ही है उसके बाद यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हुए थे तो एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं अपने वट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल एनवलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड तो मतलब जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल हो सेल uh, होती है उसमें सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है तो आंसर क्या था इसका इसका आंसर था ग्लाइकोसाइक्लिस ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था हमने थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी कि प्लांट की जो सेलवोल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है फंगस की सेल वोल होती है वो चिटिन की बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वोल जो होती है वो म्यूरिन की बनी होती है एलगी की सेलवोल जो है वो सेलुलोज़ की बनी होती है ठीक है तो हमारी जो सेल वोल होती है वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लांट्स फंगस बैक्टीरिया और एल्गी में ही सेलवॉल मिलती है और किस किस कॉम्बिनेशन वो बनी होती है वो सब मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया हुआ है ठीक है भाई अब देखो सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंगस बैक्टीरिया एलगी एक्सेट्रा अब सेल वॉल के यहाँ पे कुछ काम लिखे हुए काम लिखे हुए देखो इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल स्ट्रेंथन टू द सेल सेल मतलब कि ये सेल को uh, क्या करती है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उसको कठोरता देती है उसको हार्डनेस देती है उसको स्ट्रांगनेस देती है ठीक है रिपेयर करती है खुद को रीजनरेट करती है खुद को रीजनरेट इट इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ देखो जैसे आपने प्लांट्स को देखा होगा मैंने क्या कहा है कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती जैसे कि आपका जो एनिमल है उसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है बाहर वाली जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन लेकिन जो प्लांट होते हैं उसमें ये सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है ये सेल मेम्ब्रेन है लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक बाहर भी एक लेयर होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल जिसको क्या कहते हैं जिसको कहते हैं सेल वॉल ठीक है तो अब देखो अगर किसी चीज़ पर डबल लेयरिंग है अगर किसी चीज़ पर डबल लेयरिंग है तो वो उसको क्या प्रोटेक्शन नहीं देगी वो उसको प्रोटेक्शन देगी अब तुमने देखा होगा कि जो हमारी स्किन होती है हमारी जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है बहुत सॉफ्ट होती है हम कोई भी चीज़ झेल नहीं पाते लेकिन आपके जो प्लांट्स होते हैं वो इतनी धूप में रहते हैं इतनी आंधी में रहते हैं आंधी तूफान धूप हो सर्दी हो गर्मी हो ऐसे ही खड़े रहते हैं ऐसे ही खड़े रहते हैं क्यों क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो उनको प्रोटेक्शन देती है ठीक है भाई तो ये कॉन्सेप्ट है सेल वॉल का आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन था हमारा देयर आर में सॉरी ये क्वेश्चन मैंने आपको ठीक करवाया था इसमें क्वेश्चन ये था हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल डिवीज़न हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल डिवीज़न तो सेल डिवीजन के जो टाइप हैं वो दो हैं ठीक है दो डिवीज़न है आपके कौन सा कौन सा डिवीजन है हमारे पास दो डिवीज़न है एक मियोसिस होता है एक माइटोसिस होता है ये वाला आपका कौन सा है ये वाला आपका माइटोसिस है माइटोसिस और ये वाला आपका कौन सा है ये वाला है आपका मियोसिस मेोसिस ठीक है तो माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा है कि माइटोसिस में जो है वो एक सेल आपकी दो पार्ट्स में टूट जाती है मतलब सेम सेल जहाँ पे बनानी होती है जहाँ पे क्या बनानी होती है सेम सेल वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है माइटोसिस होता है और जहाँ आपको जहाँ आपको जो है ये जहाँ आपको जहाँ आपको सेक्स वाली सेल बनानी होती है यानी कि एक सेल टूट कर एक सेल टूट कर आपकी चार सेल्स में डिवाइड हो जाएगी ऐसे चार सेल में डिवाइड हो जाएगी तो चार सेल में जो डिवाइड हो जाएगी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस ठीक है भाई यहाँ पे ये यह डिटेल लिखी हुई है आप इनको एक बार थॉरली पढ़ लेना और बाकी हम इनको कॉन्सेप्ट जब करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे देखो यहाँ पर मैंने तीन चीज़ें लिखी हुई हैं एक चीज़ है आपकी माइटोसिस दूसरी है मियोसिस और तीसरी है आपकी बाइनरी फीजन तो मियोसिस के बारे में मैंने क्या लिखा है जब वो एग्जैक्ट रेप्लिकेंट्स बनाते हैं मतलब कि सेम जब हमें एक चीज बनानी होती है जैसे मान लिया कि हमारी ये जो स्किन है यहाँ पे चोट लग गई यहाँ पे चोट लगी लग तो उस वून को भरने के लिए उस घाव को भरने के लिए हमारी सेल्स क्या करेंगी मतलब हमारी स्किन की सेल्स क्या करेंगी हमारे स्किन की सेल्स जो है वो माइटोसिस प्रोसेस शुरू करेंगी और अपने जैसी मल्टीपल सेल्स बनानी शुरू करेंगी अपने जैसे मल्टीपल सेल्स बनाने का मतलब है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे उस प्रोसेस को कहेंगे माइटोसिस मतलब जब हमारी बॉडी या हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अपने जैसे बिल्कुल सेम सेल्स बनाता है एकदम सेम एग्जैक्ट सेम सेल होनी चाहिए एग्जैक्ट जब सेम सेल बनाता है तो उसको कहेंगे आपका माइटोसिस समझ में आ गया भाई अब देखो मियोसिस कहाँ होता है तो जहाँ पे, पे आपका स्पम और एग बनता है जहाँ पे आपका स्पम और एग बनता है एग सेल्स बनती हैं वहाँ पे आपका होता है क्या होता है मियोसिस होता है सेम ऐसे हिंदी में लिखा हुआ है समसूत्री विभाजन इसको कहते हैं देखो समसूत्री सम का मतलब क्या होता है समान सूत्र का मतलब क्या होता है फॉर्मूला मतलब सेम फॉर्मूले वाली सेल्स तो जब सेम फॉर्मूले वाली सेल्स बनती हैं तो उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं सम सूत्री विभाजन उसको क्या कहते हैं समसूत्री विभाजन जैसे हमारी आइज बनाती हैं हमारी त्वचा बनाएगी हमारे बाल बनाएंगे हमारी मांसपेशियाँ बनाएंगी ठीक है और ऐसे ही शरीर की जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपनी कोशिकाएं डिवाइड करनी होती हैं वो सब समसूत्री विभाजन से नई नई कोशिकाएं बनाते हैं ठीक है भाई और ये नीचे वाला क्या है नीचे वाला है अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में क्या है कि जब समान अनुजात कोशिका के बजाय क्या बने शुक्राणु और अंडाणु शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करने वाली जब सेल बनाई जाती हैं, तो उसको कहेंगे आपका उसको क्या कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे अब देखो यहाँ पे जो तीसरी पॉइंट लिखी हुई है इसका मतलब है बाइनरी फीजन बाइनरी फीजन का मतलब क्या है बाइनरी फीजन का मतलब कुछ नहीं है बाइनरी फीजन का मतलब है कॉपी कॉपी करना मतलब के एकदम कॉपी कर दिया आपने मतलब के एक सेल की कॉपीज बनाना तो जब कोई सेल जैसे ये क्या है ये ओमीबा है ओमीबा के बारे में आप क्या जानते हो ओमीबा के बारे में आप ये जानते हो कि जो ओमीबा होता है ये यूनीलुलर होता है यूनि का मतलब क्या होता है यूनिसेलुलर का मतलब है कि इसके पास सिर्फ एक ही सेल होती है मतलब ये पूरा जीव ही एक सेल का बना होता है अब देखो अगर मैं आपको सेल का एक एक वैल्यू बताना चाहूँ तो सेल का एक uh, मतलब साइज़ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आप एक वो ले लो एक पेपर ले लो पेपर में एक छोटी सी सुई जो बहुत छोटी सुई आती है मिंग वाली सुई आती है उसको ऐसे छेद कर दो उससे तो उसमें भी मतलब आप ये लगा लो कि 20 से 25 सेल उसमें आ जाएंगी तो आप ये देखो कि ओमिवा कितना छोटा होता है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है मतलब सूक्ष्मदर्शी जीव होता है हम इसको सूक्ष्म दर्शी से ही देख सकते हैं हम इसको वैसे नग्न नाकों से नहीं देख सकते है. तो ये सिर्फ एक सेल का जीव है एक सेल का जीव है और इसी से ये अपना सब कुछ करता है मतलब इसका सारा प्रोसेस इसी के अंदर ही होता है अब ये देखो इसके पास एक चीज़ और है इसके पास क्या है इसके पास है आपका न्यूक्लियस इसके पास क्या है इसके पास है ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो अमीबा के बारे में आप क्या क्या जानोगे क्या समझोगे कि ओमिबा जो है वो एक यूनिसेलुलर आपका ऑर्गेनिज्म है और अमिबा क्या है ओमिबा साथ में है आपका यू कैरियोटिक यू -क कैरियोटिक यू कैरियोटिक मतलब के आपका केंद्र सहित जीव है यू कैरियोटिक मतलब के आपका केंद्र सहित जीव है यानी कि जो हमारे अगर हम अगर हम आपकी उसके हिसाब से देखें अगर हम आपकी न्यूक्लियस के हिसाब से देखें न्यूक्लियस के हिसाब से देखें तो न्यूक्लियस के हिसाब से आपके दो टाइप के जीव होते हैं दो टाइप के जीव होते हैं दो टाइप के जीव होते हैं एक होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक जीव प्रोकैरियोटिक और एक आपके होते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है मतलब पहले पहले मतलब ऐसे जीव जो पहले बने थे ऐसे जीव जो पहले बने थे जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है और धीरे धीरे क्या होता गया धीरे धीरे सेल का डेवलपमेंट होता गया सेल हो गई विकसित धीरे धीरे सेल हो गई विकसित तो जब सेल विकसित हो गई तो जो सेल के अंदर वाला मेन पार्ट था मेन पार्ट था जो वो एक लेयर में कवर हो गया और उसको कहा गया न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है न्यूक्लियस है ये एक सेल है मान लिया ये एक सेल है मान लिया तो इसके बीच में एक सेंटर होता है जो इस पूरी सेल को क्या है? करता है ऑर्गेनाइज करता है ऑर्गेनाइज करता है इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रक और ये क्या करता है ये मैनेज करता है सेल को मैनेज टू सेल मैनेज टू सेल और इसी को क्या कहेंगे इसी को हम कहेंगे ब्रेन ऑफ द सेल इसी को क्या कहेंगे इसी को कहेंगे ब्रेन ऑफ द सेल इसी को क्या कहेंगे ब्रेन ऑफ द सेल समझ में आ रहा है भाई समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पीछे करके और अपना एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना तो सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी तो ओमीबा उस कैटेगरी का है जब आपके यू शुरू हुए जब आपके सॉरी जब आपके प्रो कैरियोटिक शुरू हुए जब आपके यू कैरियोटिक शुरू हुए तो ओमीबा उस टाइप का आपका जीव है तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम अगले पे बढ़ते हैं ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल साइकिल इज फॉल्स सेल साइकिल इज फॉल्स अब देखो हमने तो पूरा सेल साइकिल पढ़ लिया था हमने पूरा सेल साइकिल देख लिया है। हमने पूरा सेल साइकिल कहां देखा है ये रहा एक मिनट मैं आपको पूरा दिखाती हूं तो सेल साइकिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शंस पढ़ते हैं पहला पहला आपका स्टेटमेंट है प्रिपेरेशन ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन जी टू फेज इन एम फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल्स इन एस फेज रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए टेक्स प्लेस इन जी वन फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल्स इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब ये है कि जब हमारा माइटोसिस प्रोसेस होता है माइटोसिस प्रोसेस होता है पहला ऑप्शन समझते हैं समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है मतलब कि हमारी जो सेल होती है उसके कुछ फेज़ होते हैं ये देखो हमारी जो सेल होती है उसके कुछ फेज होते हैं उसके फेज क्या हैं देखो हमारी जो सेल है वो यहाँ से अपने फेज शुरू करती है ऐसे करके ऐसे करके चल रही है हमारी जो सेल है वो यहाँ से अपने फेज शुरू करती है ऐसे करके चल रही है इधर की तरफ चल रही है यहाँ से सेल की ग्रोथ शुरू होती है सेल की ग्रोथ हो रही है ये देखो ये इधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है सेल की ग्रोथ हो रही है जब सेल की ग्रोथ होती है तो इसको कहते हैं जी वन फेज जब सेल की ग्रोथ होती है तो इसको कहते हैं जी वन फेज़ ठीक है और जब सेल आगे बढ़ती है जब सेल आगे बढ़ती है जब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है जब गुणसूत्र टूट के दो भागों में विभाजित होते हैं जब आपके जो मैंने क्या बताया था न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसको कहते हैं क्रोमैटिन फिर आगे जाके क्या होता है कि जो क्रोमैटिन होते हैं ना वो क्रोमोजोम्स फॉर्म करते हैं क्रोमोजोम्स फॉर्म करता है लेकिन जब आपका किसी भी सेल को डिवीज़न करना होता है तो वो जो आ, मतलब आपके जो क्रोमोजोम्स हैं यानी कि जो डीएनए वाला पार्ट है वो टूट जाता है वो रेप्लिकेशन करता है रेप्लिकेशन का मतलब है कि दो भागों में टूटना मतलब कि वो आगे अपना विभाजित होना चाह रहा है ठीक है तो इसमें क्या होता है जैसे हमने कल कल देखा था हमने कल क्या देखा था ये देखो इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कि यहाँ पे आपके दो ब्लू ब्लू हैं, दो रेड रेड हैं और यहाँ पे देखो क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया सारे बीच में से टूट गए और अब देखो इसमें आधे ब्लू इसमें आ गए आधे इसमें आ गए आधे रेड इसमें आ गए और आधे रेड आपके इसमें आ गए इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आ रहा है भाई इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है यानी कि न्यूक्लियस के जो अंदर वाला पार्ट होता है वो पार्ट दो भागों में विभाजित जब होता है तो उसको कहते हैं एस फेज उसको क्या कहते हैं एस फेज ये हमारे सेल के ग्रोथ के आपके यानी कि सेल के साइकिल के, के आपके फेजेस होते हैं तो पहला फेज़ कौन सा था जी वन दूसरा फेज़ कौन सा था एस और तीसरा फेज़ देखो पिपरेशन फॉर माइटोसिस पिपरेशन फॉर माइटोसिस तो मतलब जी टू फेज ये तीसरा फेज़ है ये तीसरा फेज है देखो आपका जो पहला फेज है पहला फेज क्या है पहला फेज है जी वन जी वन जिसमें क्या शुरू होता है जिसमें आपकी सेल की ग्रोथ शुरू होती है फिर दूसरा फेज़ कौन सा है दूसरा फेज सेकेंड फेज़ है आपका एस फेज़ एस फेज में क्या होता है एस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए जो है वो टूट जाएगा डीएनए जो है वो टूट जाएगा फिर है आपका तीसरा फेज तीसरे फेज़ का नाम क्या है तीसरे फेज का नाम है जी टू फेज़ जी टू फेज इसमें क्या होगी प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस मतलब कि सेल जो है वो टूटने के लिए रेडी हो जाएगी सेल जो है वो टूटने के लिए क्या हो जाएगी रेडी हो जाएगी देखो सुनो भाई सुनो देखो देखो ये जो है ये नॉर्मल सेल है ये नॉर्मल सेल है ठीक है भाई ये क्या हुआ है ये है डीएनए रेप्लिकेशन फेज ये क्या है ये है आपका डीएनए रेप्लिकेशन फेज इसको क्या कहेंगे इस फेज को कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन इसको आपने मैंने इसको आपको ध्यान से दिखाया था कल भी मैंने आपको समझाया था इसके बारे में देखो ये देखो ये देखो मैं आपको बढ़ा करके चीज़ों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ ठीक है ये देखो यहाँ क्या हो रहा है हाँ अभी ठीक है अभी ठीक है अब समझते हैं समझते हैं देखो यहाँ क्या हो रहा है भाई यहाँ आपका देखो ये एक सेल है ये है आपकी एक सेल ये है आपकी एक सेल इसमें दो तो आपके कैसे हैं दो तो आपके रेड है ये रहे देखो ये हैं आपकी रेड और दो आपके इसमें गुणसूत्र कैसे हैं दो इसमें हैं ब्लू दो इसमें कैसे हैं ब्लू अब देखो ये टूटने के लिए रेडी हो रहे हैं अभी ये एक ही सेल के अंदर है लेकिन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि जो डीएनए है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा ये देखो ये देखो ये जो दो ये थे ये दो भागों में टूट गया ऐसे करके बीच में से ये भी ऐसे दो भागों में टूट गया फिर ऐसे ही आपका ये जो दूसरे वाला है ये भी दो भागों में टूट गया ये देखो ये यहाँ पे आ गया ये यहाँ पे आ गया तो इस फेज़ को क्या कहते हैं इस फेज़ को कहते हैं डी एन इस फेज को क्या कहेंगे इस फेज़ को कहेंगे डी एन तो ये देखो हमारा जो तीसरा फेज़ है वो क्या था आपका डी सॉरी दूसरा फेज़ क्या था डीएनए रेप्लिकेशन और तीसरा फेज़ क्या था तीसरे फेज को कहते हैं जी टू और जी टू में क्या होता है प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस और फिर आपका आता है फाइनल फेज़ जिसको कहते हैं एम फेज़ जिसको क्या कहते हैं एम फेज़ जिसमें आगे, आगे आपकी जो सेल होती है वो टूट जाती है आगे आपकी जो सेल होती है वो टूट जाती है अब देखो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे फोर्थ स्टेज फोर्थ स्टेज को क्या कहेंगे फोर्थ स्टेज को कहेंगे एम स्टेज और एम स्टेज में क्या होता है एम स्टेज में होता है सेल डिवीजन एम स्टेज में क्या होता है सेल डिवीज़न मतलब कि जो सेल है वो आपकी टूट जाती है दो भागों में अब देखो हमारा जो हमारा जो आपका क्या है हमारा जो है आपका फोर्थ फेज फोर्थ फेज का नाम क्या है एम फेज एम फेज में क्या होता है एम फेज में होता है सेल डिवीजन, एम फेज में क्या होता है एम फेज में होता है सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के पार्ट्स हैं ये हैं आपके सेल डिवीजन के भाग ये देखो ये देखो ये सेल डिवीजन के भाग है सेल डिवीजन का पहला भाग क्या कहलाता है पहला भाग कहलाता है प्रोफेज दूसरा भाग कहलाता है आपका मेटाफेज दूसरा भाग है ये तीसरा भाग है आपका एनाफेस तीसरा भाग है एनाफेस ठीक है चौथा भाग क्या है चौथा भाग है आपका टेलीफेस और पांचवा भाग क्या है पांचवा भाग है आपका साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस का मतलब यह है कि जो साइटोप्लाज्मा में जितने भी पार्ट्स हैं आपके हो गए डिवाइड आधे आधे हो गए वो ठीक है अब देखो देखो यहां पे क्या है यहां पे क्या है यहां या ये एक एक डंडी है ये एक गुणसूत्र है ये अपने आप को ऐसा करेगा ऐसी शेप लेगा कि ये दो भागों में टूट सके फिर आगे ये आपका पूरा साइटोकाइनिन ऐसे डिवाइड होना है ऐसे शुरू हो जाएगा फाइनली ये यहाँ से बीच में से कट के सीधे हो जाएंगे और ये अपने दो दो बना लेंगे ये अपने दो दो बना लेंगे और दो दो बनाने के बाद फाइनली जो साइटोकाइन फेज होता है या फिर इसी को कहेंगे या फिर इसी को कहेंगे टेलीफेज टेलीफेज और साइटोगाइनन फेज इसमें आपका हो जाता है इसमें आपकी जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगी वो पांचों फेजों में ये आपके मतलब चार फेज किसके हैं ये चार फेज आपके सेल साइकिल के हैं देखो ध्यान से सुनो जी वन फेज जी वन फेज और एस फेज और जी टू फेज ये तीनों फेज़ आपके आते हैं इंटरफेज़ में ये तीनों फेज़ किस में आते हैं इंटरफेज में ये देखो ये क्या है इंटरफेज़ इंटरफेज़ ये इंटरफेज़ में आपका पहला फेज़ आता है इंटरफेज में ही आपका दूसरे वाला फेज़ आता है और इंटरफेज में ही आपका तीसरे वाला फेज़ आता है पहले वाला फेज़ कौन सा था G1 दूसरे वाला फेज़ कौन सा है ये देखो इधर देखो दूसरे वाला फेज़ पहला फेज़ कौन सा है G1 दूसरा फेज़ कौन सा है एस तीसरा फेज़ कौन सा है जी टू तो दूसरे वाला फेज़ कौन सा है आपका एस और फिर आपका जी टू तो ये जो तीनों फेज़ हैं आपके ये जो तीनों फेज़ हैं आपके ये आपके आएंगे पहले वाले में और फिर ये वाले जो चार फेज हैं ये वाले जो चार फेज़ हैं ये आपके आएंगे फोर्थ में मतलब एम फेज़ में कौन से फेज़ में आएंगे फोर्थ फेज में मतलब के एम फेज में आएंगे समझ में आ रहा है तो ये पूरा प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस होता है सेल के टूटने का समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियर तो हो गया होगा मेरे हिसाब से एक बार फिर बता देती हूँ एक बार फिर बता देती हूँ भाई देखो आपकी जो सेल साइकिल होती है सेल साइकिल का मतलब है कि सेल बनने से लेकर उसकी टूटने तक की साइकिल जो होती है वो कैसी होती है वो आपकी चार फेज में डिवाइड होती है पहला फेज़ है जी वन फेज जिसको सेल ग्रोथ फेज कहते हैं जिसमें हमारी सेल बनती है दूसरा फेज कौन सा है आपका एस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है मतलब डीएनए सेल के अंदर ही अंदर टूटने के लिए रेडी होता है ठीक है टूटने के लिए रेडी होता है जी टू फेज़ है फिर आपका जिसमें प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस होता है माइटोसिस होता नहीं है प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस होता है मतलब कि सेल टूटने के लिए रेडी हो रही है ठीक है सेल टूटने के लिए रेडी हो रही है और फिर ये आपका है कौन सा फेज ये आपका फोर्थ फेज फिर फोर्थ फेज के आपके जो हैं वो पांच पार्ट हैं फोर्थ फेज के ये आपके पांच पार्ट हैं समझ में आ रहा है अब आंसर देखते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा बी इसका आंसर क्या आएगा बी हमें इसमें फॉल्स पता करना है हमें इसमें फॉल्स पता करना है तो आप खुद ही सोचो प्रिपेरेशन ऑफ माइटोसिस टेक्स प्लेस इन टी जी टू फेस इसको देखते हैं देखो ये सही कह रहा है कि प्रिपेरेशन जो है वो माइटोसिस की जो है वो जी टू फेज में शुरू होती है तो बिल्कुल सही है तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है ये तो गलत हो ही नहीं सकता और इन्होंने क्या पूछा है इन्होंने पूछा है फॉल्स देखो ये मत सोचना कि मैडम इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रही है मैडम क्यों लगा रही है क्यों लगा रही है क्यों लगा रही है तो देखो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है आज आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इसके साथ इसमें से फिर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं इन एम फेज द सेल ग्रोस फिजिकली अब देखो क्या है और क्या हो रहा है एम फेज़ में एम फेज़ में क्या फिजिकली ग्रो कर रही है नहीं बिल्कुल भी नहीं कर रही क्योंकि सेल की ग्रोथ तो आपके जीवन में हो चुकी थी तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है ये वाला ऑप्शन आपका गलत है अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं इन एस फेज रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए टेक्स प्लेस तो देखते हैं भाई ये बिल्कुल सही है कि एस फेज में आपका डी एन एप्लीकेशन ही होता है तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है अब डी पढ़ते हैं इन जी वन फेज सेल ग्रोथ फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल्स तो बिल्कुल सही है जो जीवन फेज होता है उसमें आपकी सेल ग्रोथ ही होती है जीवन फेज में क्या होता है सेल की ग्रोथ होती है सेल रेडी की जाती है पहले तीन फेज में सेल रेडी होगी जी वन में एस फेज़ में जी टू में सेल रेडी होगी और लास्ट जो फोर्थ फेज होता है एम फेज उसमें सेल जो है वो माइटोसिस के लिए रेडी हो जाएगी और माइटोसिस माइटोसिस होना आपका शुरू हो जाएगा और माइटोसिस के फिर स्टेप्स होंगे कौन से स्टेप्स होंगे पांच स्टेप्स होंगे समझ में आ रहा है भाई तो इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर इसका आंसर आएगा आपका बी इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा आपका बी आंसर बी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है ठीक है भाई अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई एक बार दोबारा वीडियो देख लेना कोई इशू नहीं है ठीक है कोई इशू नहीं है ये देखो ये आपका क्या है ये इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में मैंने लिखवाया है द डिफरेंट फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल इंक्लूड जैसे इंटरफेस दिस फेज इंक्लूड्स द जीवन फेज बिल्कुल देखो इंटरफेस में जीवन फेज इंक्लूड है एस फेज इंक्लूड है और जी टू बी सी में इंक्लूड है जी टू बी सी में इंक्लूड है एम फेज एम फेज़ में क्या है दिस इज द माइटोसिस फेज एंड इज डिवाइडेड इन टू प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलीफेज ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि एम फेज जो है वो फोर्थ फेज है और उसमें आप ये आपके चार पांच पार्ट्स में डिवाइडेड है ये आपका सेम हिंदी में लिखा हुआ है भाई ठीक है और कोई बच्चा ये मत सोचना कि मैडम सिर्फ हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रही है तो हिंदी में भी आपका जो है वो सब कुछ लिखा हुआ है अब इनका नाम नहीं बदलेगा हिंदी में भी आपका देखो जी वन ये G2 चरण लिखा हुआ है बस फेज को चरण लिखा हुआ है एम चरण G1 चरण G1 चरण माइटोसिस आपका माइटोसिस रहेगा मेटाफेज मेटाफेज रहेगा एनाफेज एनाफेज रहेगा टेलोफेज टेलोफेज रहेगा ठीक है तो ये नाम जो है वो आपके चेंज नहीं होते साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन रहेगा साइंस में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो हिंदी इंग्लिश में सेम होते हैं तो चेंज नहीं होते इसलिए आप हिंदी इंग्लिश के ज़्यादा ना सोचें ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांट सेल सबसे पहले ध्यान से सुनो पहली बात तो इन्होंने क्या है क्वेश्चन जो है वो प्लांट सेल के बारे में पूछा है दूसरा इन्होंने पूछा है नहीं है जो करेक्ट जो करेक्ट नहीं है अब ऑप्शंस देखते हैं सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज अप ऑफ सेल्यूलोस अब ये तो हमने पढ़ा है मैंने आपको पीछे पढ़ा है तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं द प्लांट सेल कैन नॉट डिवाइडेड बाय माइटोसिस तो देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो प्लांट की सेल वोल हो सेल होती है वो माइटोसिस से ही टूटती है क्योंकि आपका जहाँ पे भी आपको जहाँ पे भी आपको जहाँ पे, पे भी आपको सेम चाहिए सेम चीज़ें चाहिए वहाँ पे आपकी जो सेल है वो हमेशा माइटोसिस में टूटेगी ये भी बिल्कुल ठीक है तो आप प्लांट सेल यूजली कंटेन अलार्जल वैक्यूल ये भी बिल्कुल सही है ये भी बिल्कुल सही है ठीक है अच्छा एक मिनट भाई ये सही है और जनरली ऑल प्लांट्स सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट जो जो तो जितनी भी प्लांट सेल होती है वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन रखती हैं तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन जो गलत है वो है ऑप्शन बी इसको मैंने कैन नॉट नहीं पढ़ा मैंने पढ़ लिया इसको कैन तो आप भी पेपर में इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आपने थोड़ा सा भी क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो ऑप्शन भाई गलत हो जाएगा तो इसमें पूछा है कि क्या सही नहीं है तो इसको हम एक बार दोबारा देखते हैं देखो द प्लांट सेल कैन नॉट डिवाइडेड बाय माइटोसिस लेकिन मैंने बताया कि प्लांट सेल तो माइटोसिस से ही डिवाइड होती है क्योंकि अगर प्लांट को अपनी ग्रोथ करनी है तो प्लांट क्या करेगा प्लांट क्या करेगा प्लांट क्या करेगा प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए सेम अपने जैसे सेल बनाएगा और जब सेम सेल बनानी होती है सेम डॉटर सेल बनानी होती है जिसमें कोई बदलाव नहीं करना है तो वो प्रोसेस आपका होता है माइटोसिस वो प्रोसेस क्या होता है माइटोसिस होता है तो भाई आपका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा दब आ, ये ऑप्शन बी ऑप्शन बी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि जो सेल वॉल होते जो सेल होती है प्लांट सेल होती है वो माइटोसिस से ही टूटती है और इन्होंने लिखा है नहीं टूटती तो आपका आंसर कौन सा आएगा आपका आंसर आएगा बी ये देखो क्लोरोप्लास्ट कई बार इंग्लिश में और हिंदी में देखो सेम लिखाता है ये देखो क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही लिखा हुआ है हिंदी में भी तो पेपर में भी ऐसे आता है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैडम इंग्लिश में ज़्यादा करा रही है ठीक है भाई आप देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है बिल्कुल जो सेलवोल होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज़ की बनी होती है ये बिल्कुल करेक्ट है एक पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी रिक्तिका होती है बिल्कुल बड़ी रिक्तिका होती है अगर हम दोनों की कंपैरिजन की बात करें एनिमल सेल की और प्लांट सेल की तो एनिमल सेल में रिक्तिका होती है बहुत छोटी सी बहुत छोटी सी ठीक है बहुत छोटी सी और एनिमल सेल में जो रिक्तिका होती है वो वेस्ट चीज़ें रखने के लिए यूज़ की जाती है लेकिन 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 जो प्लांट सेल होती है उसमें वैक्यूल बड़ी क्यों होती है उसमें वैक्यूल बड़ी क्यों होती है उसका रीज़न है उसका रीजन ये है कि जो प्लांट सेल है जो पौधे की कोशिका है पादप कोशिका है पादप कोशिका में जो वैक्यूल होती है वैक्यूल का मतलब है रिक्तिका मतलब के सेल के बीच में एक खाली स्थान तो जो पौधे की सेल में रिक्तिका होती है वो जो है आपकी एक स्टोर रूम के तरीके से यूज़ की जाती है मतलब जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनके भंडारण के लिए उनके भंडारण के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है भाई ठीक है तो आपका ये भी बिल्कुल सही है आम तौर पर सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं बिल्कुल हरित लवक होते हैं इसीलिए तो जो पौधे होते, होते हैं वो हरे रंग के होते हैं हरित लवक की वजह से हरे पिगमेंट की वजह से तो ये भी बिल्कुल सही है तो गलत कौन सा हो गया भाई ऑप्शन बी वाला, वाला हमारा गलत है यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो गया आंसर हमारा क्या हो गया ऑप्शन बी हो गया समझ में आ गया भाई क्योंकि पादप जो है वो सेम सेल बनाते हैं तो ऑप्शन बी यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा ही वो अपने आप को दो भागों में तोड़ेगी समझ में आ रहा है चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अच्छा ये आपकी प्लांट सेल है इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ ये आपकी प्लांट सेल है इसको थोड़ा सा समझाते हैं ये देखो ये आपकी प्लांट सेल अब देखो प्लांट सेल में आपको ये दिख रही होगी ये देखो ये प्लांट सेल में आपको दिख रही है ये है इसकी अंदर वाली लेयर यह है अंदर वाली लेयर और इस अंदर वाली लेयर का नाम क्या है अंदर वाली लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और हिंदी में सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हिंदी में सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली या फिर इसी को कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली क्यों क्योंकि उसमें प्लाज्मा भरा हुआ होता है इसलिए प्लाज्मा झिल्ली भी क्या देते हैं अब देखो लेकिन आपका जो पौधा है उसमें देखो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर है ये जो मैंने ब्लू कलर से बना दी ये जो मैंने ब्लू कलर से बना दी ये एक और लेयर होती है सेल में प्लांट सेल में यहाँ पे बाहर एक और लेयर होती है और इस एक और लेयर को किस नाम से जानते हैं इसको जानते हैं सेल वॉल के नाम से इसको जानते है, सेल हैं सेल वॉल के नाम से और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं इसी को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति इसी को हिंदी में क्या कहते हैं कोशिका भित्ति जिसके बारे में अभी हम पीछे लाइन पढ़ रहे थे इसी को क्या कहते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति देखो अब और क्या क्या है ये आपका क्या है ये आपका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस क्या होता है मेंटेन करता है और देखो एक चीज़ और कितनी बढ़िया इस तरीके से इसमें दिख रही है ये देखो ये हम इसके बारे में बात कर रहे थे ये क्या है जो इतना बड़ा सा स्पेस है इस सेल में ये क्या है ये है आपकी वैक्यूल ये क्या है आपकी वैक्यूल वैक्यूल यानी के ये है आपकी रिक्तिका ये क्या है आपकी ये है आपकी रिक्तिका 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 यानी के रिक्तिका यानी के खाली स्थान रिक्तिका मतलब खाली स्थान और इस खाली स्थान को जो पौधा है वो यूज करता है एज अ स्टोरेज इस खाली स्थान को पौधा यूज करता है एज अ स्टोरेज एज अ स्टोरेज एक मिनट भाई एज अ स्टोरेज ठीक है ये क्या होता है ये होता है आपका खाली स्थान खाली स्थान समझ में आ रहा है भाई ये क्या होता है आपका खाली स्थान होता है अच्छा अभी एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो कितना एरिया घेरती है तो भाई सिक्सटी परसेंट से लेके और एटी परसेंट तक एरिया सिक्सटी परसेंट से लेके एटी परसेंट एरिया ऑफ द सेल मतलब के कोशिका का साठ से लेके अस्सी प्रतिशत तक का स्थान जो है वो अकेली एक रिक्तिका घेर लेती है क्योंकि प्लांट सेल में देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा कितनी बड़ी होती है कितनी बड़ी होती है मतलब देखो बाकी चीजों तो इधर उधर फंसी हुई है बस ठीक है अब देखो ये क्या है आपका ये तुम्हें पता ही है ये क्या होता है गोल्जी बॉडी होती है गोल्जी बॉडी के बारे में आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ये क्या है आपके हरे हरे रंग के जो दिखाई दे रहे हैं ये जो हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं ये क्या है क्लोरोप्लास्ट क्लोरो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो पौधे का रंग होता है वो हरा होता है ग्रीन कलर होता है ग्रीन कलर, है। ग्रीन कलर हरा रंग हरा रंग जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है क्योंकि ये ग्रीन कलर क्या देता है ये पिगमेंट देता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है पौधे को क्या देता है पिगमेंट देता है कलर देता है वर्ण देता है ठीक है वर्णक हिंदी में इसको कहते हैं ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के ऊपर नीचे ये आपको दिख रहा होगा ये वाली जो ये ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं इसको कहते हैं ई आर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ई आर एंडो रेटिकुलम और ये स्मूथ ही यार मतलब नो no राइबोसोम ये मैं आपको भी आगे बता दूंगी ठीक है भाई तो ये हमारी प्लांट सेल है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग है मतलब कॉलम ए है और कॉलम बी है और हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करना है तो ध्यान से देखो भाई पहला क्या है अच्छा मैं आपको पाँच सेकंड का टाइम दे दूँ एक बार आप मैं साइड में हो जाती हूँ थोड़ा सा तो आप एक बार सोच के और मुझे आंसर करने की एक बार कोशिश करो कि इसका क्या आंसर हो सकता है ठीक है पाँच सेकंड का टाइम है आपके पास जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर सेल का पढ़ रखा है तो वो आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकता है चलो बताती हूँ भाई ठीक है वीडियो को यहाँ पे अपना पॉज करके आराम से और आराम से आंसर सोचो दिमाग चलाओ जब तक दिमाग नहीं चलाओगे ना जब तक खुद से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे दिमाग चला चला के तब तक कुछ नहीं होने वाला ठीक है भाई तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो चलो देखते हैं पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से क्या करता है पहला पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं करता प्रोटीन का काम माइटोकोन्ड्रिया का नहीं है रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल नहीं बिल्कुल भी नहीं है एक्टिव सेल की एक्टिविटी माइटोकोड्रिया नहीं संभालता हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल की एक्टिविटी है सेल की एक्टिविटी कौन संभालता है न्यूक्लियस संभालता है केंद्र संभालता है अभी पहले क्वेश्चन में ही बताया था मैंने जहाँ पे हम अमीबा पढ़ रहे थे ना तो अमीबा वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो सेल होती है ये जो सेल है जैसे ये सेल है आपकी तो सेल के सेंटर में सेंटर में क्या होता है सेंटर में क्या बैठा होता है हमेशा सेंटर में बैठा होता है हमेशा हेडक्वाटर सेंटर में क्या बैठा होता है हमेशा हेडक्वाटर बैठा होता है या हेड ऑफिस बैठा होता है है ना तो ये क्या है ये है आपका ब्रेन ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल कौन सा है आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस वाले में क्या मैच करेंगे न्यूक्लियस वाले में क्या मैच करेंगे न्यूक्लियस वाले में मैच करेंगे रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल आप देखो माइटोकोंड्रिया के बारे में आपने क्वेश्चन सुना होगा कि माइटोकोन्ड्रिया को क्या बोलते हैं माइटोकोंड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकोंड्रिया को क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कि ये सेल को क्या देता है एनर्जी देता है ये हमारी एनर्जी बनाता है और हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है जो पावर बनती है पावर का मतलब क्या होता है पावर का मतलब है एनर्जी मतलब हमें ऊर्जा चाहिए हमें काम करने के लिए चलने के लिए फिरने के लिए बोलने के लिए क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए तो जो ऊर्जा हमारी बॉडी में बनती है वो किस फॉर्म में बनती है वो बनती है आपकी ए की फॉर्म में ए की फॉर्म में ठीक है और ए की फुल फॉर्म क्या होती है ए की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई एटीपी ए के फुल फॉर्म क्या होती है एडिनोसिन ट्राई एडिनोसिन ट्राई ठीक है तो एडीनासन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करती है अब तुम्हें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो मान लिया कि यहाँ पे मेरे सामने एक टेबल पड़ी है और मैंने टेबल से ऐसे ऐसे करके पेन उठाया तो इस पेन उठाने में ही मेरी 10 से 12 एटीपी खर्च हो गई हाँ ये रियल है तो इस पेन उठाने में जब 10 से 12 एटीपी खर्च होगी तो हमारी बॉडी को कितनी एटीपी की जरूरत होती होगी मतलब दिन में जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो इसमें मेरी कितनी सारी एटीपी खर्च हो रही होगी अगर आप बैठ के लिख रहे हो आपका हाथ चल रहा है अभी जैसे आप पढ़ रहे हो आपका हाथ चल रहा है तो उसमें कितनी सारी ए यूज़ होती होंगी तो वो ए बनाने का काम कौन करता है वो ए बनाने का काम करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है और माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी को एनर्जी देता है हमारी बॉडी के लिए ऊर्जा बनाता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं है, एनर्जी कौन सा फिट हो रहा है, इसमें फिट हो रहा है आपका D, मतलब कि आपका ऊर्जा का निर्माण करने का काम किसका होता है ऊर्जा का काम करने का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया का ठीक है भाई अब अगर किसी बच्चे को इसका हिंदी शब्द जानना हो तो मैं आपको प्रॉपर हिंदी शब्द बताती हूँ माइटोकोंड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका माइटोकोंड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका सूत्रकणिका लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों या मेरे दोस्तों या मेरे बच्चों पेपर में बहुत रेयर ऐसा होता है कि माइटोकोंड्रिया को सूत्रकणिका लिख के दे माइटोकोंड्रिया को हिंदी में भी ना सेम चिपका के देता है हमेशा और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको हिंदी में सेम चिपका के देगा ठीक है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हिंदी का शब्द अलग होगा जैसे आपको क्लास में कराया जा रहा है ना बस आप वो वो वर्ड्स थोड़े से याद कर लो और बस उन्हीं में काम चल जाएगा ठीक है भाई अब देखो आपका अगला क्या है इसमें अगला है आपका इसमें राइबोसोम अगला क्या है इसमें राइबोसोम तो राइबोसोम क्या करता है राइबोसोम क्या करता है राइबोसोम करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है मैं अभी एक बार समझा दूंगी आपको ठीक है एक मिनट मैं देखती हूँ इसके बाद मैंने डायग्राम लिया है यस yes. इसके बाद मैंने डायग्राम लिया है. तो वहाँ पे मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगी माइटोग्री का आपको समझ में आ गया न्यूक्लियस को और क्या क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस के बहुत सारे नाम हैं जैसे ब्रेन ऑफ द सेल ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को बोला जाता है हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोला जाता है हेड ऑफिस ऑफ द सेल बोला जाता है हेड ऑफिस ऑफ द सेल ऑफिस ऑफ द सेल तो ये सारे नाम किसके हैं ये सारे नाम आपके किसके हैं न्यूक्लियस के हैं ब्रेन ऑफ द सेल हेड क्वार्टर ऑफ द सेल हेड ऑफिस ऑफ द सेल मेंटेनर ऑफ द सेल ठीक है ये सारे नाम किसके हैं ये सारे नाम आपके न्यूक्लियस के हैं और पावर हाउस ऑफ द सेल आपका किसका नाम है माइटोकोन्ड्रिया का नाम है अब राइबोसोम की बात करते हैं राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम क्या करते हैं राइबोसोम आपका प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स एक मिनट पहले लाइसोसोम की बात करते हैं राइबोसोम फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम है उससे समझाती हूँ देखो लाइसोसोम 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 के बारे में आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा मतलब कि बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है लाइसोसोम को पता है क्या कहते हैं लाइसोसोम को कहते हैं सुइसाइडियल बैग्स सुसाइडल बैग्स और हिंदी में इसका लिखा आता है प्रॉपर हिंदी में इसका लिखा आता है प्रॉपर आत्मघात थैली आत्मघात थैली आत्मघात थैली अब ये आत्मघात थैली या इसको सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं? अब देखो ये सुसाइडल बैग्स हैं लेकिन इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ सेल मतलब कि ये सेल की जो जितनी गंदगी होती है ना सारी गंदगी को खाता है और कभी कभी बेचारे के पास इतनी गंदगी हो जाती है कि ये उस गंदगी को पचा नहीं पाता उस गंदगी को पचा नहीं पाता तो ये

कोशिका का पाचन तंत्र क्योंकि ये कोशिका की जितनी भी गंदगी होती है उसको बचाता है और बेचारा कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो सहन नहीं कर पाता और फट जाता है और मर जाता है और इसमें से फटने पर इतना एसिड निकलता है कि बेचारी सेल भी मर जाती है सेल को भी मार देता है किल कर देता है सेल को इसीलिए एटम ऑफ द सेल या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको कहा जाता है ठीक है केंद्रक के बारे में क्या आएगा केंद्रक क्या करता है क्रियाकलापों का विनिमय करता है क्योंकि केंद्रक क्या है क्योंकि केंद्रक क्या है कोशिका का है दिमाग कोशिका का दिमाग है कोशिका का दिमाग है मस्तिष्क है ब्रेन है इसीलिए सारी कोशिका को वो हैंडल करता है तो वो क्रियाकलापों का विनिमय करता है मतलब के मेंटेन करता है सारी चीजों को मेंटेन करता है राइबोसोम के लिए क्या आएगा राइबोसोम के लिए आएगा प्रोटीन संश्लेषण अब हम एक बार नेक्स्ट पेज पे डायग्राम पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या है सारी चीजें क्या हैं कैसे कैसे काम करती हैं तो देखो एक तो इसमें हम ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे ऑप्शन हम बाद में देखेंगे पहले हम इसको देखते हैं पहले हम इसको देखते हैं डायग्राम को देखते हैं एक मिनट मुझे डायग्राम बड़ा चाहिए तो मैं आपके लिए डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ हो गया ठीक है हो गया है बड़ा हो गया है पिंक रखते हैं ओके आप देखो ध्यान से मेरी बातें सुनो मतलब जो मैं आपको आज क्लास में स्टोरी बताने वाली हूँ ना वो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी हम एकदम तो मतलब पांच मिनट में मैं आपको पूरी सेल की स्टोरी बता दूंगी कि सेल में क्या क्या होता है ठीक है तो ध्यान से सुनो ध्यान से मतलब सुनो और समझो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी प्लांट सेल होती है उसमें दो लेयर होती हैं जो हमारी प्लांट सेल है जो हमारी क्या है हमारी है प्लांट सेल उसमें है दो लेयर पहले वाली लेयर का नाम क्या है पहले वाली लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन जो हमारी एनिमल में भी होती है और बाहर वाली लेयर का नाम क्या है बाहर वाली लेयर का नाम है सेल वॉल जो हमारी प्लांट्स में होती है बैक्टीरिया में होती है और आपकी फंगस में होती है और आपकी एल्गी में होती है समझ में आ गई भाई पहला कॉन्सेप्ट तो ये था अब हम आ जाते हैं न्यूक्लियस पे अब हम आ, अब हम किस पे आ जाते हैं अब हम आते हैं न्यूक्लियस पे तो हम एक बार न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ये देखो ये है आपका न्यूक्लियस ठीक है ये क्या है आपका न्यूक्लियस है इस पे ग्रीन लेते हैं ग्रीन शायद काम करेगा यस yes. देखो ध्यान से देखो ये है आपका न्यूक्लियस ये क्या है ये है आपका न्यूक्लियस ये आपका न्यूक्लियस है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये क्या है आपका न्यूक्लियस है अब देखो न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे ये क्या है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं क्रोमैटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं क्रोमैटिन जो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है ये आपके सिंपल आपके क्रोमैटिन है ऐसे करके और जब सेल डिवीजन होता है जब सेल को टूटना होता है तो ये जो क्रोमैटिन होते हैं ये दो क्रोमैटिन आपस में ऐसी शेप लेके और ऐसे जुड़ जाएंगे और ये एक नई चीज बना देंगे जिसको क्या कहेंगे जिसको कहेंगे क्रोमोजोम जिसको क्या कहेंगे जिसको कहेंगे क्रोमोजोम तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है अब देखो जब ये प्रोसेस इसमें हो रहा होता है जब ये प्रोसेस इसमें हो रहा होता है तो ये प्रोसेस तो ये आपका हो गया क्या ये प्रोसेस इसमें जो हो रहा होता है तो इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है इसमें कुछ वेस्ट चीज़ें बनती हैं और वो वेस्ट चीज़ें क्या होती हैं हमारे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं हमारे कुछ क्या होते हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं अब वो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को ये न्यूक्लियस क्या करता है एक्स्ट्रा प्रोटीन्स को ये इन्हें दे देता है ये देखो ये बाहर नहीं इसके बाहर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसके बाहर देखो एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये रहा ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो पर्पल कलर का बना हुआ है इस पर इसको कहते हैं ई ER. आर और ई ER आर की फुल फॉर्म क्या है ई ER आर की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ई आर ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है ध्यान से सुनो एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम उस वेस्ट मटेरियल को थैलियों में कर देता है पैक उस वेस्ट मटेरियल को थैलियों में पैक कर देता है इसके पास कुछ ऐसी थैली होती है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ ऐसी थैली होती हैं जो थैलियाँ पूरे सेल में सारी चीजें ऐसे इधर उधर इधर उधर भेजने का काम करती हैं कि सेल के उस पार्ट को ये चाहिए जाओ वो देकर आओ सेल के उस पार्ट को ये चाहिए जाओ वो देकर आओ सेल के उस ऑर्गन को वो चाहिए जाओ वो देकर आओ तो ये सारी ये जो थैलियाँ होती हैं ये थैलियाँ किसके पास है ये ऐसे तरीके की कि थैलियाँ किसके पास है ऐसे तरीके की थैलियाँ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया थैलियो में इस मटेरियल को भरा जो बच गया या जो एक्स्ट्रा है या जो इधर उधर सर्कुलेट कर रहा है वो मटेरियल क्या किया इसने उसमें भरा और उसमें भर के ये थैलियो को अपना साइटोप्लाज्मा में सेक्रेट कर दिया साइटोप्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्मा मतलब जो कोशिका में द्रव्य भरा होता है जो कोशिका में द्रव्य भरा होता है कोशिका में जो लिक्विड भरा होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मा साइटो साइंस में जहां भी आपको साइटो वर्ड दिखे ये साइटो वर्ड कौन सा शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है ग्रीक वर्ड और जहां भी साइंस में आपको साइटो वर्ड दिखे इसका मतलब वहां पे किसकी बात हो रही है वहां पे आपका सेल की बात हो रही है वहां पे आपका किसकी बात हो रही है वहां पे आपकी बात हो रही है कोशिका की वहां पे आप किसकी बात हो रही है वहां पे बात हो रही है कोशिका की समझ में आ रहा है भाई समझ में आ रहा है ठीक है तो आराम से पढ़ो और समझने की कोशिश करो ठीक है अब देखो ये जो थैलियां हैं ये कुछ थैली तो ये क्या करता है ऐसे सेल में सर्कुलेट करने के लिए बाहर छोड़ देता है और कुछ थैलियां इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसे चिपके रह जाती हैं ये देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे दिखाती हूँ आपको एक बार ये देखो कुछ थैलियाँ देखो ऐसे चिपकी हुई हैं देखो ये देखो यहाँ पे ये गोले गोले दिख रहे हैं ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है आपका इसमें डायग्राम में इस पर देखो यहाँ पे कुछ गोले चिपके हुए देखो यहाँ पे कुछ गोले चिपके हुए हैं गोले चिपके हुए ना ये जो गोले जिस ई ER से चिपके होते हैं इस ई ER को कहते हैं रफ ई आर रफ ई यानी कि आर ई आर मतलब के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिससे ये गोले नहीं चिपकते उसको कहते हैं एस ई आर उसको क्या कहते हैं एस सी आर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ मतलब उस पर कोई सरफेस सरफेस पे कुछ भी नहीं चिपका हुआ एकदम प्लेन सरफेस है तो उसको स्मूथ बोलेंगे और उस पर जब कुछ 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 चिपक गया है तो उसको रफ बोलेंगे जैसे मान लिया कि आपने कोई प्लेन लिया हुआ है मान लिया मेरे पास कोई भी बोर्ड है या आपकी कोई बुक है तो मान लिया अगर आपकी बुक एकदम ऊपर से क्लीन है तो आपको क्या आप क्या कहोगे बिल्कुल स्मूथ सरफेस है बिल्कुल स्मूथ टेक्चर है लेकिन अगर उस आपकी बुक पर मैंने रेत गिरा दिया सेंट पार्टिकल्स गिर गए तो जब आप उस बुक पे अब हाथ लगाओगे तो सेंट पार्टिकल्स आपको टच टच होंगे तो जब आप सेंट पार्टिकल्स जैसे टच करोगे ना तो आपको रफ फील होगा रफ फील होगा तो आप उसको क्या बोले कि भाई बहुत रफ सरफेस है है ना तो ऐसे ही करके जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल को पैक करती है ये दो टाइप की होती है एक एस ई आर स्मूथ ई आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक आर ई -E आर यानी कि आपकी आरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है भाई तो जिससे राइबोसोम नहीं चिपकते वो एस सी आर और जिससे चिपक जाते हैं वो आर ई आर ठीक है तो ये जो थैली होती है ना इसके पास ये जो इसके पास थैली है इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं ये देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं ये देखो ये जो इसके पास थैलियाँ हैं ये जो इसके पास थैलियाँ हैं ये देखो ध्यान से यहाँ पे देखो यहाँ देखो ठीक है अभी ये देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे देखो ये लिखा होगा यहाँ पे राइबोसोम्स ये लिखा होगा तो ये जो थैलियाँ है ना ये पर्पल 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 जो इन्होंने पर्पल थैलियाँ सेक्रेट करी हैं ये सब क्या हैं ये सब राइबोसोम्स हैं ये सब राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम के लिए हमने काम क्या पढ़ा था कि राइबोसोम क्या करते हैं राइबोसोम करते हैं है प्रोटीन सिंथेसिस मतलब कि जो हमारा क्रोमैटिन क्रोमैटिन किससे बनता है प्रोटीन से बनता है क्रोमोजोम किससे बनता है प्रोटीन से तो बनता है तो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बच जाते हैं वो या तो सेल में इधर उधर सर्कुलेट हो कर करने होते हैं या फिर उनका सिंथेसिस करना होता है तो सिंथेसिस करने के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है उनको थैली में पैक कर देती है थैली में पैक करके क्या करती है सेक्रेट कर देती है तो जो थैलियामा में प्रोटीन की घूमती रहती हैं, जिनका काम क्या है प्रोटीन सिंथेसिस करना, उन थैलियों को कहते हैं राइबोसोम। उनको थैलियों और क्या कहते हैं आपका स्टोरेज ऑफ राइबोसोम्स को और क्या कहते हैं स्टोरेज ऑफ प्रोटीन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का भंडारण प्रोटीन का भंडारण समझ में आ रहा है भाई क्लियर है ना क्लियर है ना देखो और हमने पीछे क्या पढ़ा माइटोकोंड्रिया पढ़ा ये रहा माइटोकोंड्रिया अगर माइटोकोंड्रिया को मैं बहुत अच्छे से बनाऊं तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है एक सेकंड हम पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे ये देखो ये होती है आपकी माइटोकड्रिया कुछ ऐसी ये होती है माइटोकड्रिया ठीक है और ये माइटोकोन्ड्रिया के बीच में इसमें भी क्या होता है लिक्विड भरा होता है और इस लिक्विड को क्या कहते हैं इसको मैट्रिक्स कहते हैं या फिर इसको आप नॉर्मल भाषा में आप इसको साइटो भी कह सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है तो माइटोकोन्ड्रिया क्या करती है माइटोकोंड्रिया हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बनाती है एनर्जी किस फॉर्म में बनाती है एटीपी के फॉर्म में बनाती है और एटीपी के फुल फॉर्म क्या है एटीपी के फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉसफिट एटीपी के फुल फॉर्म क्या है भाई एटीपी के फुल फॉर्म है आपकी एडिनॉसिन ट्राईफॉसफिट तो ए टी पी के फुल फॉर्म क्या है भाई ए टी पी के फुल फॉर्म है आपकी एडिनोसिन ऑसन ट्राई फॉस्फिट एडिन ट्राई फॉस्फेट ठीक है भाई तो ये ए टी पी की आपकी फुल फॉर्म हो गई देखो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स लिखवाई हैं चारों पार्ट जो हमने पीछे ऑप्शन में लिए हैं कि जो माइटो है उसको डिस्कवर किसने किया था तो डिस्कवर बाय एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ठीक है और कब किया था 1850 सेवन uh, में राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था जॉर्ज ई पैलेट ने 1955 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था क्रिश्चियन डी डेव ने ड्यूव ने 1955 में और ऐसे ही करके आपके देखो हिंदी में लिखे हुए अब ध्यान से देखो ये चीज आपका माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सेम माइटोकॉन्ड्रिया लिख के आता है राइबोसोम का हिंदी में सेम राइबोसोम लिख के आता है लाइसोसोम का लाइसोसोम लिख के आता है लेकिन आपका जो ये है कहा गया ये रहा न्यूक्लियस न्यूक्लियस को जो है वो हिंदी में कई बार ये क्या लिख के देता है कई बार तो न्यूक्लियस ही लिख के देता है कई बार लेकिन नाभिक लिख के देता है ठीक है तो आप हिंदी वालों को इस चीज का ध्यान रखना है ये नाभिक शब्द आपको थोड़ा सा याद करके रखना है भाई ओके ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है अच्छा उस क्वेश्चन का हमने आंसर नहीं लगाया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ पहले का हमारा क्या आंसर है पहले हमने किससे मैच किया हुआ D, है डी एनर्जी जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया का करता है एनर्जी जनरेशन तो देखो ये रहो फर्स्ट का डी मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी हमारा इसमें क्या हो गया आंसर हो गया ऑप्शन डी क्या हो गया ऑप्शन डी हमारा हो गया आंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो बहुत ईजी है हम पहले पढ़ चुके हैं हम पहले पढ़ चुके हैं सारा पढ़ चुके हैं सारा मैंने अभी अभी, अभी आपको अभी बताया क्लास की जब शुरुआत हुई तो पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक जो है ये बहुत मतलब फेमस है अभी करंट में और एस एस सी में टी सी एस पैटर्न से जितने क्वेश्चन सेल के बारे में आ रहे हैं ना उसमें ये सबसे फेमस चल रहा है फिलहाल पे तो आप इसको देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो ये इधर आपको कॉलम दिए हुए इधर भी आपको कॉलम दिए हुए इधर आपको सेल के फेजेस दिए हुए और इधर आपको क्या दिया हुआ है इधर आपको कौन से फेज़ में क्या काम होता है वो चीज़ें दी हुई हैं ध्यान से देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था जीवन फेज़ याद करो जीवन फेज में क्या हो रहा था याद करो जीवन फेज में क्या हो रहा था देखो हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले जीवन फेज ये देखो जीवन फेज में क्या हो रहा था सेल ग्रोथ जीवन फेज में क्या हो रहा था सेल ग्रोथ दूसरा फेज कौन सा था एस फेज एस फेज में क्या हो रहा था डीएनए रेप्लिकेशन उसके बाद तीसरा फेज कौन सा था जी टू जी टू फेज में क्या हो रहा था प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस इसके बाद कौन सा फेज है एम फेज़ एम फेज में क्या हो रहा है सेल डिवीजन हो रहा है और सेल डिवीजन के अंदर आपके चार पांच ये टाइप के प्रोसेस हो रहे हैं कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है तो पहला फेज कौन सा जी वन और जी वन में क्या हो रहा है सेल ग्रोथ हो रही है अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं जी वन अब देखो जीवन के बारे में इसमें कौन सा फिट होता है सेल सिंथेसिस अ कंप्लीट कॉपी ऑफ अ डी एन ए नहीं बिल्कुल भी नहीं तो सेकेंड फेज में होता है फर्स्ट गैप फेज द सेल ग्रोज फिजिकली लार्जर आपको क्या लगता है क्या ये हो सकता है ध्यान से देखो ध्यान से देखो एस फेज में क्या हमने पढ़ा है एस फेज में हमने क्या पढ़ा है एस फेज में हमने पढ़ा है डी एन ए रेप्लीकेशन डी एन ए रेप्लीकेशन पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ फिर आप ऑप्शन को ट्राई करने की कोशिश करना। G1 जी वन फेज में क्या था जी वन फेज़ में क्या है जी वन फेज़ में आपका सेल ग्रोथ जी वन फेज में क्या सेल ग्रोथ जी टू फेज में क्या है जी टू फेज में है आपका प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस प्रिपेरेशन प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस और इसमें क्या हो रहा है एम फेज में आपका हो रहा है सेल डिवीजन एम फेज में क्या होता है सेल डिवीजन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज क्लास का आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद हम क्लास को डन करेंगे भाई ठीक है तो आंसर इसका क्या आ रहा है आंसर इसका क्या आ रहा है आंसर क्या आ रहा है ध्यान से देखो जी वन फेज में क्या है सेल ग्रोथ सेल ग्रोथ की बात किस में हो रही है ऑप्शन नंबर बी में सेल ग्रोथ की बात किस में हो रही है ऑप्शन नंबर बी में तो so वन का बी होना चाहिए ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन देखते हैं वन का बी अब देखो वन का बी तो दो में है अब हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा अपना तो इसमें एक डिफरेंट देख लेते हैं देखो अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड का ए और सेकंड का ए सेम है तो ये मैच करने का तो कोई फायदा ही नहीं है अब हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे थर्ड का सी और इसमें है थर्ड का डी अब हम थर्ड देखते हैं थर्ड क्या है जी टू जी टू जी टू में हमने क्या पढ़ा है जी टू में अभी हमने पढ़ाया था पहले पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जी टू में क्या करता है जी टू में सेल जो है वो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होती है तो माइटोसिस के लिए प्रिपेयर होने के लिए इसमें देखो हमने दो ऑप्शन पढ़ने सी और डी तो पढ़ते हैं सेल बिगिंस टू रिकॉग्नाइज इट्स कंटेंट इन प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस तो बिल्कुल सही है मतलब कि आपका एम इसका ये आपका जो थर्ड है इसका क्या आएगा थर्ड का आएगा सी तो थर्ड का अगर सी हो जाता है तो ऑप्शन आंसर आपका होगा इसमें ए तो इसमें आंसर आपका क्या हो गया ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया ए आंसर क्या आपका बिल्कुल सही हो गया ठीक है भाई ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया और हम एक बार फोर्थ का भी देख लेते हैं एम फेज तो एम फेज के लिए इसमें क्या लिखा है मतलब अकबर फोर्थ के लिए क्या लिखा है फोर्थ के लिए आपका डी तो डी में हमने क्या पढ़ा था सेल डिवीजन होता है तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है सेल डिवाइड्स इट्स कॉपीज डीएनए एंड साइटो टू मेक अन टू न्यू सेल्स मतलब अब की सेल डिवाइज हो जाती है माइटोसिस वाले प्रोसेस से ठीक है ये देखो अगेन मैंने आपका सेल साइकिल का लगाया हुआ है तो सबसे पहले आपका सेल ग्रोथ से शुरू होता है मतलब आपका जो पीरियड है जो सेल साइकिल है वो कहाँ से शुरू होता है सेल साइकिल आपका होता है जी वन से शुरू तो जो आपका फर्स्ट फेज़ है एक बार यहाँ पे मोटा मोटा लिख देती हूँ फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ और आपका फोर्थ फेज़ हमारे पास ये चार फेज़ है हमारे पास ये चार फेज़ है पहला फेज़ कौन सा है पहला फेज़ है जी वन जी वन में क्या होता है जी वन में आपकी सेल जो है वो ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होती है सेल जो है वो ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होगी सेकेंड फेज़ कौन सा है सेकेंड फेज है आपका एस फेज एस फेज एस फेज में क्या होता है एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि आपकी सेल तो एक ही रहेगी लेकिन आपका डीएनए जो है वो टूटने के लिए रेडी हो रहा होगा टूटने के लिए डीएनए आपका रेडी हो रहा होगा ठीक है और थर्ड थर्ड जो है आपका कौन सा है एस टू फेज थर्ड कौन सा है एस टू फेज़ सॉरी थर्ड है आपका जी टू फेज थर्ड है आपका जी टू फेज इसमें क्या होता है इसमें आपका होता है प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस प्रिपेरेशन फॉर माइटोसिस यानी कि आपका माइटोसिस के लिए आपकी सेल प्रिपेयर हो रही होती है फोर्थ फेज़ कौन सा है आपका एम फेज और एम फेज़ में आपका जो है वो माइटोसिस प्रोसेस हो जाता है यानी कि आपकी सेल जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ठीक है भाई तो ये हमारा हो गया आज मोटा मोटा सा अब मैं आपको एक बार ये डायग्राम एक्सप्लेन करके बताती हूँ देखो इधर ध्यान से सबसे पहले फेज कौन सा है जी वन जी वन फेज आपका सिक्स टू ट्वेल्व आवर्स तक चलता है सेल ग्रोथ इसमें होती है ये देखो जी वन क्या है फर्स्ट कैप है सेल ग्रोथ एंड एक्यूमलेट्स एसेंशियल प्रोटीन्स एज डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक है मतलब जो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं उनको जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं उनको जो है सेल अपने अंदर लाके और अपना डीएनए रेप्लिकेशन के लिए उसको फिट करती है अपने अंदर ठीक है अब उसके बाद दूसरा फेज़ है एस फेज एस फेज क्या है एस फेज सिक्स टू एट आवर्स के लिए चलता है और उसमें डी एन ए रेप्लीकेशन होता है डी एन ए रेप्लीकेशन होता है इसमें इसमें सिंथेसिस ऑफ डी एन ए मतलब सेल स्टार्ट रेप्लीकेट्स क्रोमोजोमल डी एन ए रिजल्टिंग इन पेयर्स ऑफ क्रोमैटिन टू सेंट्रोमेट्रिक रीजन मतलब ये वही हो गया जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल होती है सेल के बीच में क्या होता है सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं इनको कहते हैं क्रोमैटिन क्रोमैटन और फिर जब सेल को डिवीजन करना होता है तो जो क्रोमैटिन होते हैं मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना ऐसे करके ये आपके दो दो जुड़ेंगे ऐसे और ये दो ऐसे जुड़ के क्रोमोजोम फॉर्म करेंगे और जब सेल को डिवाइड करना होगा तो इस पर जो डीएनए 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 पार्टिकल्स लगे होंगे वो आधे उस सेल में चले जाएंगे और आधे उस सेल में चले जाएंगे ठीक है भाई तो ये हमारा हो गया डी एन ए रेप्लीकेशन जी में आपको पता ही है कि प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होता है और एम फेज में आपको पता है कि एम फेज़ में क्या होगा एम फेज़ में हमारा माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो एक सेल थी पहले पहले एक सेल थी इसमें फिर कंप्लीट आपका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ उसके बाद ये सेल जो है वो दो सेम सेल्स में टूट गई यानी कि इसने क्या बनाई इसने बनाई डॉटर सेल्स इसने क्या बनाई इसने बनाई डॉटर सेल्स ठीक है भाई तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और क्लास के लिए थैंक यू क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं वो पक्का सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं आप ये मत सोचना कि मैडम ने तो बस इतने ही क्वेश्चन कराए हैं मतलब मैडम तो क्लास में क्वेश्चन ही नहीं करा रही है तो ऐसा कुछ नहीं है भाई मैं क्वेश्चन कम लेके चलूंगी लेकिन क्वेश्चन के साथ जो आपका कंटेंट है ना वो बहुत मतलब एडवांस लेवल का प्रिपेयर हो रहा है अगर आप एक क्वेश्चन किसी चीज़ के बारे में करते हो ना तो उसके बारे में जितनी डिटेल्स आपकी पेपर में आती हैं मैं सारी डिटेल्स आपको करा रही हूँ ठीक है तो आप कंटेंट पे भी फोकस करो इससे क्या होगा कि जो नए बच्चे हैं जिनका सिलेबस नहीं हुआ है उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी और जो पुराने हैं उनका तो सारे सिलेबस रिवाइज़ हो जाएगा उनके लिए तो कोई इशू वाली बात है ही नहीं ठीक है भाई तो डेली क्लास में प्रेजेंट होना है और क्लास का टाइम क्या रहेगा क्लास का टाइम है आपका ग्यारह से बारह ग्यारह से बारह सुबह ग्यारह से बारह डेली आपकी साइंस की क्लास होती है डेली आपकी साइंस की क्लास होती है तो जो नए बच्चे जुड़े हैं वो मेक श्योर की डेली टाइम से क्लास में आए और हमारा पूरा बैच है मिशन सफलता बैच जिसमें हम आप लोग हम आप लोगों के लिए जो है वो 60 डेज़ के लिए काम करेंगे तो 60 डेज़ आप जुड़े और नोट्स वगैरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स वगैरह सब कुछ आपको जो है वो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा ये देखो ये आपका टेलीग्राम चैनल है एड्रॉइड क्लासेस टेलीग्राम चैनल है एड्रॉयड क्लासेस ये टेलीग्राम चैनल से आपको सारी पी मिल जाएंगी ठीक है तो आप जुड़े रहें थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए और हैव अ नाइस डे भाई